सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के गुड फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पुराने पोल की, जहां मैं आपसे बात कर रहा था कि यार क्या आप कभी गए हैं अपने फोन की किसी दिक्कत को लेकर सर्विस सेंटर वारंटी खत्म होने से पहले। तो आप में से 60% ने कहा कि जी हाँ हमको जाने पड़े हैं, चक्कर लगाने पड़े हैं सर्विस सेंटर के, और बाकी बोलते हैं भैया हमने तो बनाई है मौज घर बैठ के। दोस्तों ऐसे में आज का आपसे सवाल ये है कि क्या आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर किसी भी तरह की एक्स्ट्रा सुरक्षा को लगाते हैं, फिर चाहे दोस्तों वो स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ स्क्रीन गार्ड हो, चाहे भैया वो टेम्पर्ड ग्लास हो, चाहे दोस्तों वो कवर हो, या फिर आप यूज करते हैं अपने फोन को पूरा नेकेड। क्या है दोस्तों आपका जवाब, मुझे बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट सेक्शन में, और सारी बातों को मिला लो एक साथ एक स्पेशल लाइक के लिए। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है, वो है यहां पे Honor Magic 2 को लेके। ये फोन भैया अपने लॉन्च से पहले लीक ही हो रहा है, जहां पे दोस्तों एक तो फोटो निकल के आती है जो बताती है फोन के फ्रंट डिजाइन के बारे में डिटेल्स, और भैया यहां पे है एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म। लेकिन दोस्तों एक और हमको मिलती है फोटो फोन के बैक साइड की, जहां पे देख के क्लियरली मालूम चल रहा है कि भैया फोन में होने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप। जो पहले लीक सारे थे क्वाड कैमरास को लेके भैया वो हो गए सारे के सारे खारिज। और हुआ दोस्तों ऐसा कि ये फोन दिया था किसी चाइनीज एक्ट्रेस को प्रमोशन वगैरह के लिए, और उन्होंने जोश जोश में होश खो दिया भैया, फोन की फोटो खींच के लगा दी और वो आ गई इंटरनेट पे। मतलब देखो लीक कहां कहां से हो जाती हैं चीजें। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है, वो है यहां पे Xiaomi की दिवाली सेल को लेके। भैया यहां पे मिलने वाला है हर माल ₹1, ₹1, ₹1, और यहां पे हालांकि वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, लेकिन यहां पे दोस्तों कुछ और तरह तरह के डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। जो डेट्स है वो आ गई है सामने, 23 से 25 अक्टूबर तक अगर आपको खरीदना है Xiaomi का सामान तो भैया मिलने वाला है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला डिस्काउंट के साथ में। जा सकते हो, देख सकते हो भैया किस चीज में कितना फायदा होने वाला है अगर आप करते हैं परचेज इसी बिग दिवाली सेल के दौरान। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है, वो है यहां पे NYPD को लेके। और यहां पे दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत दोस्तों जो ऑफिसर्स हैं वो यूज करते हैं बॉडी कैमरास, जो कि दोस्तों करते हैं रिकॉर्डिंग के भैया वो क्या देख रहे हैं अपने सामने। और ऐसे में दोस्तों बहुत सारे कैमरास हैं, लेकिन करीब 2290 कैमरास जो हैं वो उन्होंने उतार कर रख दिए साइड में, बिकॉज एक कैमरा में आग लग गई। तो भैया अगर छाती पे कुछ चीज़ चिपकाई और अगर वहीं पे हो जाए धमाका तो ये तो बहुत ही घबराने वाली बात है। तो उस पर्टिकुलर मॉडल के दोस्तों जो बाकी कैमराज थे सबको उतार कर दिया साइड में, कि जैसे सैमसंग फटा, जैसे कोई और फ़ोन फटा, अगर वो ही फटता रहे तो ये तो भैया किसी गोली से कम नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगला अपडेट इसी को दोस्तों निकल के क्या आता है। तो ऐसे में आपसे एक सवाल है कि क्या आपको कभी भी दोस्तों डर लगता है कि मतलब फ़ोन आपके पास में है, रात को सो रहे हैं, तकिए के पास में है, जेब में है, या कहीं और है कोई और गैजेट है, कि कहीं किसी की बैटरी फुस करके फट ना जाए। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है, वो है यहाँ पे भैया गूगल प्ले को लेके, जहाँ पे एक आ गया नया ऑप्शन पीयर टू पीयर शेयरिंग का, कि भैया अगर आपका डिवाइस ऑफलाइन है तो आप दोस्तों अपने डिवाइस की जो ऐप्स है वो दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल सपोर्ट आ गया है अभी शेयर इट का, और ऐसे में दूसरा गूगल प्ले है वो ऑफलाइन रहते हुए भी ऑथेंटिकेट कर सकता है जो ऐप है उनकी ओरिजिनलिटी को। इसके अलावा दोस्तों बहुत जल्दी सपोर्ट आने वाला है फाइल्स गो और जेंडर का भी। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आपका डिवाइस ऑफलाइन है तो ऐसे में आप अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो एप्स हैं उनको बड़े आराम से ट्रांसफर कर पाएंगे, दोस्तों के बीच में आप शेयर कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छी चीज निकल के आती है गूगल प्ले की तरफ से। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है, वो है यहां पे इलेक्ट्रिक कार्स को लेके। और यार ये एक नई ही टाइप की दोस्तों रिसर्च की गई है, जहां पे भैया हम तो भी सोचते हैं कि कार में हमको बैटरीज लगानी पड़ेंगी, बहुत सारी स्पेस तो बैटरीज कंज्यूम कर लेंगी, लेकिन यहां पे एक और ये एक नई रिसर्च निकल के बताती है कि भैया यहां पे जो कार की कार्बन फाइबर बॉडीज होंगी ना वो ही कर लेंगी एनर्जी को स्टोर। तो मतलब कार की बॉडी एक बैटरी की तरह दोस्तों काम कर पाएगी। तो यहां पे भैया रिसर्च तो बहुत सारी करते हैं हम तगड़ी, देखते हैं कि ऐसा कोई आइडिया हम फ्यूचर में इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है, वो है यहां पे रिलायंस की तरफ से। और यहां पे दोस्तों रिलायंस बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है अपनी टेस्ट साइट को, जहां पे दोस्तों किया जाएगा टेस्ट इंडिया के अपने पॉड टैक्सी रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जहां पे दोस्तों बात हो रही है छोटी छोटी दोस्तों पॉड टैक्सीज की, जो कि भैया चलेंगी अपने एक पटरी के ऊपर। इसको लेके मैं
वीडियो भी बहुत ही पहले बना चुका हूँ, आप दोस्तों जाके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो अभी डिसाइड करने वाले हैं कि भैया वो कौन सी होगी टेस्ट साइट जहाँ पे टेस्ट किया जाएगा इसी पॉड टैक्सी वाले सिस्टम को। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi का भैया जो रंग बिरंगा सामान दोस्तों है, जो Xiaomi का ये लाइट का है बहुत सारा बड़ा लाइनअप, वो इंडिया में आ गया दोस्तों। जहाँ पे बात होती है स्मार्ट बल्ब्स की, स्मार्ट लाइट वाली स्ट्रिप्स की, और यहाँ पे दोस्तों कीमत होती है शुरू वो है 2499 रुपीज से, जहां पर दोस्तों मिल जाएगा भैया बिल्कुल बेसिक सा एक स्मार्ट बल्ब, और यहां पर दोस्तों जाएगी ऊपर 4999 रुपीज तक। तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको वो रंग बिरंगी रिमोट से चलने वाली, मोबाइल फोन से चलने वाली लाइट्स पसंद है तो आप ऐसे में देख सकते हैं Xiaomi के इसी ये लाइट वाले लाइनअप को। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे पेटीएम के महा कैशबैक सेल को लेके, जहां पे पेटीएम भैया बोलते हैं कि हम देने वाले हैं 501 करोड़ रुपए तक का कैशबैक। बहुत दोस्तों सारे तरह तरह के डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं स्मार्टफोन्स पे, ऑफर्स मिलने वाले भैया यहाँ पे पीसीज पे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पे, और भैया पता नहीं किन किन चीजों पे। पर्सनली मेरा भरोसा इतना नहीं रहता है पेटीएम से शॉपिंग करने पे। क्या आप दोस्तों पेटीएम से शॉपिंग करते हो? क्या आपको आज तक कभी कोई दिक्कत आई है, या फिर क्या आप ऐसे किसी ऑफर में इंटरेस्टेड हो? मुझे बता रहा जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से, और जियो भैया लेके आया था वो एक साल वाला प्लान, जहां पे 1699 रुपीज में आप पूरे साल भर के लिए एंजॉय कर सकते थे अनलिमिटेड डेटा, रोज का 1.5 जीबी साथ में कॉल्स वगैरह। बीएसएनएल बोलता है भैया देखो हम आपसे एक कदम आगे, और हम लेके आ गए हैं पूरे साल भर का प्लान सिर्फ 1097 रुपीज में। कॉल्स तो लिमिटेड है लेकिन डेटा की थोड़ी यहां पे कमी होगी कि भैया आपको मिलेगा सिर्फ 25 जीबी डेटा पूरे साल भर के लिए, तो रोज घूंट घूंट करके पियो वरना एक बार भी अगर खत्म कर दिया तो पूरे साल क्या करोगे। लेकिन ऐसे में कोई बीएसएनएल को समझाए कि भाई डेटा ही तो मेन जरूरी बात है। हालांकि 25 जीबी डेटा एक बहुत ही कैजुअल यूजर को भैया सिर्फ और सिर्फ अपना व्हाट्सएप ही चलाना है मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, लेकिन फिर एक साल एक बहुत ही लंबा टाइम है। वैसे आपके लिए 25 जीबी डेटा आप कितने दिन में खर्च कर सकते हो बताओ नीचे कमेंट्स में, कि भैया हम तो दो ही दिन में हैं खिलाड़ी इंटरनेट के, कर देंगे खत्म पूरा का पूरा 25 जीबी डेटा। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Xiaomi के Mi Mix 3 को लेके, यहाँ पे भैया ऑफिशियल हो गया कन्फर्म कि फोन मिलने वाला है आपको फास्ट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, और यहाँ पे इसके अलावा मिल जाएगा सपोर्ट 960fps स्लो मोशन वीडियो का। कितने रिकॉर्ड कर पाएंगे, कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, 720p में होगा, फुल HD में होगा, जो भी दोस्तों डिटेल्स हैं आ जाएंगे लॉन्च के साथ में बहुत जल्दी सामने 25 अक्टूबर को। लेकिन Xiaomi बहुत है दोस्तों यहाँ पे हाइप कर चुका है इस फोन को लेके, देखते हैं कि ये फोन इंडिया में आ पाता है या नहीं। फ्लैश सेल वगैरह तो खैर बाद की बात है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे OnePlus 6T को लेके, यहाँ पर दोस्तों इसका भी कैमरा सैंपल आ गया है सामने किया है कंपनी ने शेयर, और यहाँ पर दोस्तों बात होती है भैया लो लाइट शॉट्स की, तो शायद दोस्तों यहाँ पे जो नाइट मोड वगैरह है उसके अंदर कुछ नए इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे भैया आपने OnePlus 60 से, अंधेरी रातों में थोड़े कम रोशनी वाली जगहों पे थोड़ी सी बेहतर फोटोज क्लिक कर पाएंगे, जहां पे दोस्तों फोटो आपको चांद भी दिख रहा है, बादल भी दिख रहे हैं, आसमान भी दिख रहा है, लाइट्स भी दिख रही हैं। देखते हैं कि OnePlus 60 की लो लाइट कैमरा क्वालिटी कैसी होती है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है Pixel 3, Pixel 3 XL को लेके, और ये दोस्तों है दुनिया के पहले एंड्रॉयड डिवाइसेस जहां पे भैया आपको मिलता है सपोर्ट एंड्रॉयड प्रोटेक्शन का। तो यहां पे दोस्तों जो एंड्रॉयड प्रोटेक्टेड कंफर्मेशन है ये मिलने वाली है आपको Google Pixel 3, Pixel 3 XL में, कि ये दोस्तों जो आपकी ऐसी कुछ बहुत ही सेंसिटिव ऐप्स हैं, फिर दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं पेमेंट वगैरह को लेके, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर है सिक्योरिटी की, तो ये एक अच्छी बात है। और यहां पर दोस्तों इनफैक्ट जो डेडिकेटेड चिप है टाइटन सिक्योरिटी चिप है उसके चलते भी ये काम होता है काफी तेज अच्छी सिक्योरिटी से, तो ये एक अच्छी बात है। एटलीस्ट सेफ्टी रहे ना तो मतलब मजा आता है, वरना फिर फेसबुक जैसा जो कंपनी है वो क्या काम करती है, मतलब क्या बताएं यार। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे फेसबुक को ही लेके, हुआ ये कि जापान दोस्तों जो है वो बोलता है फेसबुक को कि भैया फेसबुक सारे काम करो ठीक तरीके से, जो यूजर्स हैं उनको बताओ कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ उनके डेटा के साथ में कंप्लीट छेड़खानी वाला कोई भी दोस्तों ऐसे में हादसा। तो जो दोस्तों जितने भी इश्यूज हैं तरह तरह के उतरे थे फेसबुक के, तो यहाँ पे जापान ने तो क्लियरली बोल दिया है फेसबुक को कि भैया सुधर जाओ, ठीक तरीके से करो अपना काम। अच्छी बात है अगर सभी गवर्नमेंट्स मिलके फेसबुक को सीरियसली दोस्तों ऐसे यहाँ पे बोलें तो शायद फेसबुक सुधर जाए, वरना आज के दिन बड़ा डर लगता है। मेरा तो मन नहीं करता फेसबुक यूज करने का कि मैं भैया फेसबुक यूज करूँ। आप बताओ कि आप फेसबुक में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो या फिर अपने लिए यूट्यूब जो है वो ज्यादा बेहतर काम करता है फेसबुक से। दोस्तों फाइनल अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एप्पल वॉच को लेके,
अपडेट यह है कि एप्पल लेके आ गया है एप्पल वॉच का एक चार्जर, जहां पे आपको मिलता है दूसरे सिरे पे यूएसबी टाइप सी पोर्ट, और जो कीमत है वो है मात्र $29। इंडिया में लगाता है एप्पल रेट $1 बराबर 100 रुपए, तो मतलब मिल जाएगा ऑलमोस्ट करीब करीब 3000 रुपए के आसपास ये आपका चार्जर। बेसिकली एक केबल सी है। एप्पल ने ना बहुत लूट लिया, बहुत लूट लिया, बहुत लूट लिया दोस्तों। मेरी आने वाली है वीडियो आईफोन XR की, 26 तारीख को सुबह सुबह करेंगे अनबॉक्सिंग ब्लू और येलो कलर के आईफोन XR की, तब बताते हैं एप्पल भैया कैसे लूट रहा है और कैसे लगा रहा है भैया पूरी अपनी अपनी साजिश की भैया लूट ले लोगों से पैसा। लेकिन ऐसे में केबल लॉन्च कर दिया, चार्जर दे दिया, फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया, नहीं पता नहीं मतलब इतना गुस्सा क्यों आता है। आप मुझे बताओ कि क्या एप्पल ठीक काम कर रहा है इन सब तरीकों से या नहीं, नीचे कमेंट्स में दोस्तों। बस यही तो था आज की अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।